Hello, dear student. Now we are moving further from that what we had left at our last lecture. Okay. Now Mesopotamia, as said, is known for its writing, its city life, its trade, its rich literature, mathematics, and astronomy. Okay. And ye Mesopotamia se kya hua ki at that time period it is spread across the world. The Greeks have learned, then that Romans have learned from Mesopotamia. Then Mesopotamian ke jo relations the wo Indians ke saath bhi the. It means that time ke contemporary unki kaun si hai? Indus Valley Civilization se. Ab kya hua dekhiye, writing. Ab hum iski Mesopotamian writing ki agar hum baat karein, okay, to writing was of Mesopotamia was known as the script that was known as cuneiform script, known as cuneiform script. तो writing के लिए क्या चाहिए हमें? Script चाहिए. जैसे हिंदी के लिए हमारी script कौन सी है? देवनागरी. कौन सी है? देवनागरी. ऐसे ही जो that time पे जब मैं बात कर रहा हूँ वहाँ से 5000 साल पहले की. Okay. तो the script that was used by the Mesopotamian was the cuneiform. Cuneiform का मतलब होता है wedge, cune and form. Wedge, cune means wedge, form means shape. तो wedge shaped script वो use करते थे. वो क्या करते थे? Clay tablets बनाते थे. ठीक है, clay tablets बनाते थे, उसमें एक reed होता था, उससे जो है उकेरते थे अक्षर. और generally day to day calculation, हिसाब किताब, उधार देना, इस चीज़ में उसको use करते थे. और जैसे उनका calculation पूरा हो जाता था उसको तोड़ देते थे उस टैबलेट को. समझ गए? एक जो है एक टैबलेट जैसी बनाते थे मिट्टी की एंड उस पर रीड्स की सहायता से वो उकेरा करते थे. ओके. सेकंड वन, सिटी लाइफ. अब जो अर्लीस्ट सिटी जो है डेवलप हुई कहाँ पे? मेसोपोटामिया पे. जो आजकल तो आप यू कैन फाइंड आउट हंड्रेड ऑफ द सिटीज, मिलियंस ऑफ द सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, बट जो अर्लीस्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ दैट वाज इन द मेसोपोटामिया. और जो अर्लीस्ट सिटीज़ कुछ हैं उनकी जो उनका एक्सकवेशन से मिला हुआ है, उरुक किश, दीज आर सम सिटीज जो कि अभी भी एग्जिस्ट में. नेक्स्ट वन इज ट्रेड. अब ट्रेड दैट टाइम इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट. मेसोपोटामियन जो था ट्रेड रूट था, और बहुत सारे प्रूफ मिले हैं कि जो मेडिटेरियन जो ट्रेड रूट था वो यहाँ से होके जाता था. यहाँ के लोगों का जो ट्रेड पे इंटरेस्ट था और जो डे टू डे लाइफ थी वो ट्रेड पे काफ़ी हद तक क्या थी, डिपेंड थी. ओके. राइटिंग, सिटी लाइफ हो गई, ट्रेड हो गई. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द लिटरेचर. बहुत सारा लिटरेचर जो क्ले टैबलेट्स में लिखा हुआ मिला है. और कहा गया कि वर्ल्ड का पहला एपिक, द फर्स्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड इज़ नोन एज गिलगमिश, रिटन बाई द किंग गिलगमिश. वहाँ के राजा थे गिलगमिश, उन्होंने एक एपिक लिखवाया. वो एपिक था गिलगमिश. ओके. जो कि अराउंड 3200 BC का लिखा हुआ है. ओके. तो उसको माना जाता है वर्ल्ड का पहला एपिक, गिलगमिश. ओके. बहुत सारे और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड वर्क उनके टैबलेट्स में मिले हैं. और कुछ टैबलेट्स के जो क्ले टैबलेट्स, ठीक है ना, जैसे हाथ के टैबलेट होते हैं वैसे ही मिट्टी की बनी हुई टैबलेट जिसमें रीड से लिखा जाता था. ओके. देन मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है. देन एस्ट्रोनॉमी, तारों की गणना उन्होंने, कैलेंडर्स से रिलेटेड टाइम की, बहुत सारे ऐसे उन्होंने ट्रिक्स दिए हैं मेसोपोटामियन ने. ओके. और उसके बाद ये सारे मेसोपोटामिया से कहाँ गए? इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. अब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हमने कह दिया कि मेसोपोटामिया, अब उसके अंदर भी बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, बहुत सारे सेंटर हुआ करते थे. एंड सम आर, देखो दो मेसोपोटामियन जो था पहले कहा जाता था, देखिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन किस किस चीज़ से बनी हुई है? सुमेरियन एंड अकीदियन सिविलाइजेशन. देन बेबीलोनियन सिविलाइजेशन. हो सकता है आपने बेबीलोनिया सुना होगा, बेबीलोन, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन वेरी फेमस है. ओके. वर्ल्ड एंशियंट, दोज आर द एंशियंट स्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड. विश्व के पुराने सात आश्चर्यों में से एक आते हैं. ओके. एंड देन असीरियन. तो ये तीन सिविलाइजेशन इसके अंदर थी जिससे कंसिस्ट होके क्या बनी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. कौन कौन सी? सुमेरियन एंड अकीदियन, बेबीलोनियन एंड असीरियन. अब सुमेरिया से देखिए क्या आई. सुमेरिया वाले क्या बोलते थे? सुमेरियन लैंग्वेज. बेबीलोन और असीरिया वाले क्या बोलते थे? अकेडियन लैंग्वेज. और इन सब से डेवलप्ड हुआ क्या? अरामाइक लैंग्वेज. तो अभी भी ये अरामाइक अभी भी जो है अपने एग्जिस्टेंस में है. ओके. दिस आर द सिविलाइजेशंस जहाँ से क्या डेवलप हुई, जिनसे मिलके क्या बनी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वर्ड डेवलप्ड. ओके. नाउ
नाउ दिस जो हम अभी बात ही कर रहे थे, दिस इज़ द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन। और इसके बारे में एक स्टोरी है कि राजा जो था ही उसने ही हैज मैरिड टू अ क्वीन जो कि ग्रीन जो है ग्रीन एरिया वाले रीजन से आती थी। जब वो आई अब साउथ में तो साउथ पार्ट डेजर्ट वाला था, तो हमेशा ही उदास रहने लगी। ठीक है, हमेशा उदास रहने लगी। तो फिर राजा ने पूछा, भाई क्या कारण है कि तुम यू आर ऑलवेज़ लुकिंग वेरी सैड। तो उसने कहा कि मैं तो ग्रीन एरिया से आई हूँ और आपके यहाँ पूरा जो है दैट इज़ ड्राइड अप, सब रेगिस्तान टाइप का। तो राजा ने क्या किया कि अपना महल जो था उसमें ही हैंगिंग गार्डन बनवा दी। ऊपर से पानी आता था, वो टेक्नोलॉजी उनके बहुत मंजिला बहुमंजिला जो उनका पैलेस था उसके ऊपर से उसने हर मंजिल पे ग्रीनरी बना दी। और वो हैंगिंग गार्डन जो है मेसोपोटामिया सिटी ऑफ बेबीलोन में है। ठीक है, और वो राजा था नेबुसफार। कौन था? नेबुस पार। ओके, नाउ ये देखिए पिक्चर दिखा रही कि हैंगिंग गार्डन लगभग ऐसे होते होंगे पूरा। देखिए ऊपर से नीचे तक यू कैन फाइंड आउट ग्रीनरी ग्रीनरी लगाई गई है। और वो पानी का फ्लो उस टाइम पे कैसे किया होगा, दैट वाज आल्सो अ ग्रेट टेक्निक दे हैव यूज। तो मतलब उनको ग्रेट टेक्निक्स आती थी। ओके, नाउ दिस इज़ द हैंगिंग गार्डन। देखिए व्हाट द स्टोरी वी आर टेलिंग अबाउट। और 2500 ईयर्स एगो किंग नेबुकदनेज़र रूल द लैंड कॉल्ड बेबीलोनिया। ही मैरिड अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस फ्रॉम अनदर कंट्री एंड ब्रॉट हर टू बेबीलोन द कैपिटल ऑफ बेबीलोनिया। बट द न्यू क्वीन ग्रो होमसिक फॉर द माउंटेन एंड गार्डन ऑफ हर होमलैंड। सो द किंग कॉल्ड टुगेदर हिज आर्किटेक्ट एंड क्राफ्टमैन बिकॉज ही हैड अ प्लान, बिल्ड मी द मोस्ट वंडरफुल गार्डन इन द वर्ल्ड ही टोल्ड देम अलोंग विद सिक्स अदर मैन मेड मार्वल्स। द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन आर रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द एनिशियंट वर्ल्ड। तो देखिए आज से इतने साल पहले उन्होंने ऐसी टेक्निक जो है यूटिलाइज कर ली थी। ओके, नाउ दिस इज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग द लैंड वॉज कॉल्ड सुमेर एंड अक्कद। जो मेसोपोटामिया का लैंड था शुरुआत में क्या कहा जाता था, सुमेर एंड अक्कद कहा जाता था। और बाद में उसमें एक और कंसिस्ट हुआ बेबीलोन। और सुमेर और अक्कद वाले की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, सुमेरियन एंड अकेडियन। इन सब से कंसिस्ट होकर फिर क्या बनी, अरमाइक बनी, जो कि अभी भी यूज में आती है। नाउ असीरियन ने अटैक किया सुमेरिया पे और उसके बाद असीरियन वहाँ पे आधिपत्य हो गया। तो असीरियन लैंग्वेज अब वो क्या करने लगे, इस्टेब्लिश करने लगे। ओके, तो अब इन दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द हैंगिंग गार्डन्स, वी हैव स्टडीड अबाउट द राइटिंग, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, सिटी लाइफ, सम सिटीज़, ओके, देयर लाइफ स्टाइल, कैसे वो अपना जो है ऑक्यूपेशन, अगर उनकी ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की, तो क्या क्या थे, एग्रीकल्चर, क्या क्या थे, एग्रीकल्चर, ट्रेड, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और जनरली ये सारे ऑक्यूपेशन जो है कॉमन होते हैं। अगर हम अब हम बात कर रहे हैं उनके रिलीजियस लाइफ की, तो जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी बेटा, ऑल ऑफ द सिविलाइजेशन में एक चीज़ कॉमन थी कि वो जो है नेचर की वर्शिप ज़्यादा करते थे। किसकी वर्शिप ज़्यादा करते थे, नेचर की वर्शिप ज़्यादा करते थे। अब जो भी उनको अलग सा लगता था, जो भी उनको विस्मित कर देता था, एस्टोनिश कर देता था, उसको वो कुछ ना कुछ पावर समझ के पूजने लग जाते थे। जैसे देखा अंधेरा हुआ है, सूरज निकला ना, तो उनको लगा पूरे उसमें उजाला हो गया, सूरज कुछ ऐसी चीज़ है। तो मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन में आप देखोगे सूरज को जो है एक देवता के रूप में इस्टेब्लिश माना गया। ठीक है, ऐसे चांद दिख गया रात को, 14 दिन 15 दिन दिखे फिर नहीं दिखे, तो चंद्रमा भी एक देवता हो गए। ठीक है, ऐसे ही पानी, ओके, कहीं जगह पेड़, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके रिलीजियस लाइफ को शेप करते हैं। और उनके बहुत सारे तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे सीख ली। और कहा गया कि जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन हो, चाइनीज़ हो, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इन सब में जो कंट्रोलिंग पावर होती थी, अब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जब सांप लेने लगे तो कुछ लोग दावा करने लगे भाई अब उस टाइम पे कि हम उनके पास कुछ पावर्स होती हैं, जैसे आजकल भी होते हैं ना कुछ, दे हैव सम मिरेकल्स पावर। अब यू कैन सी मैनी ऑफ द पार्ट ऑफ द उत्तराखंड में तो ये चलता ही रहता है। तो वो जो थे वही धीरे धीरे रूलिंग एलाइट बन गए। वही क्या बन गए, रूलिंग एलाइट, लोग उनकी बात मानने लगे। और बाद में इसी से किसका डेवलपमेंट हुआ, रूलिंग सिस्टम का। किसका डेवलपमेंट हुआ, रूलिंग सिस्टम का। फॉर दिस टाइम दिस इज़ इनफ, दिस इज़ वन वर्क यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू फाइंड आउट द रिलीजियस लाइफ ऑफ द मेसोपोटामियन और उनके मेन गॉड्स डाइटीज कौन कौन थे, यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, टिल देन स्टे सेफ, जॉय लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट बिले।